तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन व्लॉग का गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो गुड मॉर्निंग सुपर भात सुबह ही, और अभी उठ चुके हैं भाई। उठ तो बहुत देर गए हैं क्योंकि अथर परेशान रहता है अभी, थोड़ी तबीयत सी डाउन सी चल रही है। फिर डॉक्टर को दिखा के लाए गए आज, और आज उसका खांसी मतलब रात को ना खांसी उठ जा, हाँ सुबह शाम में ज़्यादा उठ रही, पता नहीं ठंड की वजह से है, ये नहीं समझ पा रहा। बच्चे पटाके पटका हो जाए, उसके धुएं की वजह हो रही, तो आज से डॉक्टर के दिखाना जरूरी है। डॉक्टर के दिखा कर लाएंगे, और अदिति बना रही है मेरे लिए जवे, क्योंकि पसंद है, पता है जो डेली व्लॉग देखते हैं उसको तो पता ही है कि हमको पसंद है जवे। हाँ। तो ये कटिंग कर रही है अभी, बैठी आलू और धनिया की कटिंग कर दी, मिर्ची इसके अंदर है, और ये बैठी है। मैं रसोई में नहीं गई, मैं आपके पास ही बैठ गया कर लूँ, फिर चली जाऊंगी रसोई में। सही। गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर जाकर आपको अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियो देखने को मिलेगी, 30-35 सेकंड की या 20 सेकंड की आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। आप जाइए, और मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है आप सब इंस्टाग्राम में चलाते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि इंस्टाग्राम तो ऐसा हो गया कि सभी चलाते हैं, और जाइए जिस चैनल, जैसे मेरे चैनल का नाम इंडियन व्लॉग गौरव है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पर जाइए और फॉलो कर लीजिए, मेरी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, और अपना प्यार बरसाए बारिश की तरह छम 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 छम। तो जाइए भाग कर लीजिए, भाग कर जाना, भाग कर ऐसे मतलब पैर पैर भगा कर नहीं, अपने हाथ भगा कर ऐसे फॉलो लाइक। तो बाय बाय, मैं अभी रेडियो रहता हूँ, जाना है मुझे कंपनी ऑफिस जाना है, तो उनकी बाइक पर बैठ गया घूमने के लिए जा रहा, और बैठ के बाइक कर रहा, मुझे और बहुत खुश हो रहा, चिल्ला रहा पूरा, और जब तक बिठाया था पापा 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 दी मम्मी देखा आपको बाहर जा रहे, बैठ कर कहने लग रही, जब तक बिठाते हैं जब तक परेशान नहीं हो रहे हैं। ये आ गए अतरू के चक्कर में, रोई को भी मिल गया घूमना, पापा आज मेरा बच्चा। मैं लहंगा सुखाने के लिए आई थी कि फिर एक साल तक रखा रहेगा, थोड़ी सी धूप लगा दूँ लहंगे पे, तो लहंगा डालने के लिए आई थी, क्योंकि जब मैं करवा चौथ पे पहनूँ तो सुखा के ही रखूँ ऐसे धूप लगा के 1-2 घंटे की, ज़्यादा टाइम तो नहीं डालती क्योंकि फिर वही है धूप में कलर फेड हो जा। यहाँ पर डाल दिया, एक यहाँ पर डाल दिया, डबल दुपट्टे हैं ना दो, ब्लाउज और लहंगा, और ये रात के यहाँ पर करवे रख रखे, एक मम्मी का और एक मेरा है, और यहाँ पर ना मम्मी ने आज मिट्टी का चूल्हा बनाया, देखो सर्दियों में इस पर साग बना रहेगा और मक्का की रोटी, कुछ तो बना दिया मम्मी ने, कुछ और रह रहा, अभी तो रह ही रहा, बस आज तो स्टार्ट ही करा बनाना, मतलब चूल्हे का श्री गणेश हुआ आज, मुहूर्त हुआ चूल्हे का, और ये सारे पेड़ पौधे ऐसा लगा दिए साइड में, सूखे सूखे से हो रहे, अभी मैं पानी दे दूँगी, पानी तो वैसे मर रोज दिया जा, पर वही है गर्मी की वजह से सूख जा, और ये सरसों है देखो, जब साग बनाया करेंगे यहाँ से ले ले करेंगे, और ये पुदीना लगा था, जब चटनी बनावे ना हम यहाँ से ही तोड़ ले पुदीना, और ये जामुन का पेड़ है, ये फूल, और तुलसी तो बहुत सारी है, तुलसी तो हम यहाँ से लिया करें ज़्यादातर, जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा हुआ है, जब भोग में रखने के लिए यहाँ से ले लें, और ये रहा एलोवेरा, एलोवेरा भी बड़ा होने लग रहा, पहले छोटा होगा था बहुत ही, क्योंकि एलोवेरा के पत्ते लेते रहना तो फिर सूख जा, अब तो सही हो गया। चूल्हे के लिए यहाँ पर भिगो कर रख रखी है मिट्टी, देखो उस पन्नी में लेकर आए थे पापा जी मिट्टी, नहलाऊंगी क्योंकि अथरों का पानी रखा ही थी मैं ऊपर, अथरों का पानी मंगो बस, अब जाकर नहलाऊंगी। भगवान जी के कपड़े सुखा रखे धुल के, ये सब भगवान जी के कपड़े हैं, लड्डू गोपाल जी के ड्रेस है, कर मैं घूम रहा मम्मी घुमा रही वो करना, ये थ्रू की वजह से यहाँ पर टेबल लगा रखी है देखो, ताकि अथर ऊपर ना चढ़े, क्योंकि बहुत इस पेड़ को ऊपर चढ़ गया और डर लग गया सीढ़ी से गिरने का, टेबल लगा दी, घूम रहा बाबू, अब आपका पानी हो गया बस नहा लो आप, हाँ हो गया बहुत, खटके लग गए, कर दे गैस बंद, सामान ले लूँ साबुन वगैरह तौलिया, बाबू को नहला देती हूँ। गाइस अथरू नहा के रेडी हो गया है, अब अथरू को घूमने की लग रही है, देखो परेशान हुआ घूमने के लिए, बब्बा 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 अभी नहलाया अथरू को, क्या बब्बा
कहाँ है बब्बा? कहाँ है बब्बा? बब्बा बब्बा तो ड्यूटी जा रहे बब्बा। अच्छा गणेश जी वो कह रहा बब्बा, गणेश जी है ना तो ही ना कह रहा बब्बा। मेरा बच्चा भगवान जी का इतना ध्यान रखे। रूही किट्टू की वीडियो देखने लगी, देखो दिखाऊंगी आपको। अपनी मम्मी का फोन लेकर आई हूँ। छोटे बिल्ले कहाँ था, अरे घर में चला गया। अतरू को देखो, अतरू तो खुश हो जाए ऐसे चीजें देख के। कहीं सा रहे है, बार बार आ रहे, बार बार जा रही। बाबू गया, डोगी गया, गया डोगी। देखो कैसा दिख रहा, डोगी चला गया ना, डोगी के ये हो रहा परेशान। हाँ डोगी चला गया, बाबू का डोगी चला गया थर्व का ना। कोई नहीं दोबारा आ जाएगा, आ जाओ मेरा बच्चा, दोबारा आ जाएगा डोगी, तो आओ आप मेरे पास आ जाओ। ये डोगी छोटा सा बार बार आ रहा, देखो कहाँ कहाँ घुस रहा। चल चल बाहर, बाहर चल। अरे सर वो देखो कैसे उठ के देखे, देखो लेट रहा है गोद में, और देखो बार बार उठ उठ के देख रहा। क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा बाबू का? मेरे भाई जाते ना शाम के खाने में मूली की भुर्जी बनेगी, तो मैं बैठ के जब तक अथर्व खेल रहा है, मैं अथर्व के पास बैठ के मूली की कटिंग कर रही, फिर मूली की भुर्जी बनाऊंगी। तो ठीक है गाइज, कर लेती हूँ मूली की कटिंग। पूरी छलनी में से इधर उधर फेंक दी मूली निकाल निकाल के। बेटा ऐसा नहीं करते, गलत बात है, थोड़ा ही ना मैं आपके पास लेकर बैठ गई तो आप ही ना गिराओगे। लाओ धुल के ले आओ बेटा, लाओ दे दो, फिर मम्मा कटिंग कर लेगी। ठीक है लाओ, थैंक यू बेटा, थैंक यू अथरू। शाम के 6 बज गए और खाने का टाइम हो गया, और गाइस आज ना खाने में बनाऊंगी मूली की भुर्जी। तो ठीक है गाइस, चलती हूँ रसोई में और बॉयल होने के लिए रख देती हूँ मूली। कटिंग मैंने कर ली है, मुझसे दरात तो नहीं चलाना था, मैंने चक्कू से कटिंग की है मूली की, और जो मूली के पत्ते हुए उनकी, दोनों चीज़ की चक्कू से कटिंग कर ली। कटिंग करके अब रसोई में लेकर चलती हूँ। और बाबू तो आज रोने लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा बाबू का, देखो रोने की आवाज़ भी आ रही होगी बैठक में। तो गाइस रसोई में आ गई और मैंने मूली बॉयल होने के लिए रख दी भुर्जी। मूली मूली पत्ते आलू और इसमें हल्दी नमक वगैरह डाल के रख दिया मैंने, कर दिया। चलाने लग रहे हो और अतरू को देखो कितनी तेज तेज हंसने लग रहा। दद्दी पुत दद्दू बब्बा पोते की मस्ती कर ली तीनों की। मम्मी की अलवा बैठी, पापा जी चला रहे। पूरा दिन तो दिमाग खराब कर रखा, बब्बा 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 पूरा सुन कर दिया दिमाग। जब तक मैंने छोका सभी सामान काट लिया है, हरे धनिया की कटिंग कर ली है, हरी मिर्च की कटिंग कर ली है, और लहसुन प्याज की भी कटिंग कर ली। बस अब मैं भुज्जी को फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद अट्टा लगा के रोटी सेक लेती हूँ। बॉयल हो गए, आलू भी डाल रखे रोटी, ये हरे धनिया प्याज, ये हरी मिर्च अच्छी रहेगी। आलू तो बॉयल हो गया, आलू निकाल के दोबारा फिर रख दिया मैंने कुकर, एक दो सिटी और आ गई अभी। फिर निकाल लिया आलू, फिर आलू तो ज़्यादा ही घुल सी जाते और रख दिया दोबारा से।